यहाँ देखा कि हम लोग अपने घर पे पोछा तक नहीं लगाते, यहाँ तक कि हम पानी पीना पसंद नहीं करते। लेकिन इन लोगों को देखा कि यहाँ टॉयलेट साफ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये क्या वजह हो सकती है, क्या लालच है इनको। अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे साथ ये जवान बच्चे खड़े हुए हैं जी, और यहाँ पर WC टॉयलेट शौचालय ये सफाई कर रहे हैं। आप देख रहे हैं जनता वनता मीडिया सोशल मीडिया के मार्फत से, तो आप ये भी जान लें कि आज ये मीडिया के जरिए से, ये मीडिया है जो बिकी हुई नहीं है जी। ये वही मीडिया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं जनता वनता, और जनता वनता में आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, मैंने आप लोगों को धार्मिक स्थल दिखाए, दरगाहें दिखाई, और मस्जिद, इमाम बारगाह, और यहाँ तक के मंदिर, चर्च, गुरुद्वारा सब कुछ दिखाया। इमाम हुसैन ने जो बलिदान दिया था वो इंसानियत को बचाने के लिए दिया था। अब यहाँ बात करेंगे इंसानियत की। यहाँ कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई बात नहीं करूँगा मैं, यहाँ इंसानियत की बात करूँगा। यहाँ हम आए थे करबला हिंद हुसैन डिग्री कानोदर गुजरात। गुजरात में ये एक दरगाह पड़ती है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब के नवासे जो इमाम हुसैन है, अपने 72 साथियों के साथ में एक महाबलिदान दिया था। उन्होंने ये इंसानियत को जिंदा रखने के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया। इस्लाम धर्म में दो समुदाय होते हैं, शिया और सुन्नी। आज हम शिया समुदाय के साथ में खड़े हैं गुजरात में। यहाँ हमने देखा कि ये पीछे जो दरगाह है ये इमाम हुसैन की है। इसके बाद में चलिए, सब मैनेजमेंट अच्छा है, लेकिन एक अजीब और गरीब मैंने यहाँ मंजर देखा कि जो ग्रेजुएट हैं, यहाँ के जो बच्चे हैं सब लोग ग्रेजुएट हैं, एजुकेशन इनकी इतनी हाई लेवल की है, कोई अच्छी जॉब पे है और कोई स्टडी पे है। यहाँ देखा कि हम लोग अपने घर पे पोछा तक नहीं लगाते, यहाँ तक कि हम पानी पीना पसंद नहीं करते। लेकिन इन लोगों को देखा कि यहाँ टॉयलेट साफ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये क्या वजह हो सकती है, क्या लालच है इनको। इन लोगों ने से ये कहाँ से सीखा, आइए बात करते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अली हुसैन सोनासरा जी। मैं मुकीम हूँ गुजरात कानोदर, यहाँ का ही हूँ मैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 7 साल पढ़ाई ईरान में की है, माशाल्लाह, और मखसूसन मशहद में की है मैं। और जब पढ़ के मैं वापस इंडिया में आया तो जो हमारे यहाँ एक मेंटालिटी है कि मौलाना हजरत है या उलमा जो पढ़ के आते हैं या पढ़े लिखे होते हैं वो सिर्फ कुर्सी पे बैठना जानते हैं या वाजो नसीहत करना जानते हैं, ये मेंटालिटी में दूर करने के लिए खुद मैदान अमल में उतरा हूँ। और चाहे वो बिजनेस हो या चाहे सोशल काम हो या चाहे यंग जनरेशन हो, उनके साथ फ्रेंडशिप करना, उनके साथ दोस्ती करना, या सोशल काम है तो सोशल काम में भी खुद मेहनत करके हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप ये तसव्वुर न करें कि आलिम दीन सिर्फ मिंबर से बोलना ही जानता है, बल्कि अगर वो मैदान अमल में भी अगर आपके सामने आए तो आप वो काम भी नहीं कर सकोगे जो आलिम दीन कर सकता है। उसमें मैं अभी एक छोटा सा नमूने अमल बता रहा हूँ कि जो सबसे बड़ी खिदमत है वो खिदमत में सभी हजरात लोग क्या है अपनी अपनी एतबार से सभी खिदमत अंजाम देते हैं, लेकिन कभी कोई टॉयलेट है, शौचालय है या WC है, कभी उसको साफ नहीं करेगा। अपने घर में भी अगर वो गंदी है तो अपनी बीवी पर या अपने बहनों पर या अपनी माँ पर कभी भी गुस्सा होगा और कहेगा कि इतनी गंदी है, लेकिन वो कभी पानी डालने की जहमत गवारा नहीं करेगा। मैं भी नहीं करता हूँ। लेकिन अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे साथ ये जवान बच्चे खड़े हुए हैं जी, और यहाँ पर WC टॉयलेट शौचालय ये सफाई कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आखिर इनमें ये आया कहाँ से, जज्बा कहाँ से आया। तो मैं एक मुख्तसर सा तारुफ आपको बता दूं कि यहाँ से हमारे गुजरात से काफ़ी हजरात यानी इंडिया से भी है और गुजरात से सभी दुनिया के कोनों और इलाकों में से लोग काफले की सूरत में अरबईन पे जाते हैं जी, जी, और अरबईन पे जाके वहाँ पर ये मेरा जुमला मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वहाँ पर मैंने खुद अपनी आँखों से 1819 मरतबा जा चुका हूँ। वहाँ पर अमीर भी फकीर बनने की कोशिश करता है, वहाँ पर अमीर भी
फकीर बनने की कोशिश करता है। किस तरीके से? बस वो चाहता है कि किसी भी सूरत हाल में मैं मौला हुसैन के जव्वारों का खादिम बन जाऊं, और अगर मुझसे अगर एक टिश्यू पेपर से हो रही है तो टिश्यू पेपर से, पानी से हो रही है तो पानी से, और हर सूरत हाल से जैसे भी वो खिदमत अंजाम देना चाहता है वो देता है। यहाँ तक कि अगर कुछ भी नहीं होता तो झाड़ू लगा के बताना चाहता है कि मौला मेरे पास दुनिया की दौलत है लेकिन मैं तेरे सामने फकीर हूँ, बस तू अपने फकीरों में मुझे शामिल कर दे। ये मोहब्बत की मिठास है जिससे हमें ये टॉयलेट धुलने में कराहत नहीं होती है, हमें ये जिसे बोलते हैं कि हमें अंदर से ये फीलिंग नहीं होता कि इतनी गंदी टॉयलेट है, लोग इतनी गंदगी करके जा रहे हैं तो आप सफाई क्यों कर रहे हो। हमें ये मिठास मोहब्बत अहले बैत है, मिठास और मोहब्बत जनाब जहरा है, मिठास और मोहब्बत इमाम हुसैन अलैहि सलाम है, जो इस सफाई को करने में हमें कराहत नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह ये 57वां प्रोग्राम है जो कानूदर शिया इसना शरी मोमिन जमात के द्वारा ये आयोजित किया जाता है, और ये मुकाम कानूदर में होता है गुजरात में। और ये तकरीबन, उसके लिए दो जुमले बता दूँ मैं कि 1988 में 1899 में यहाँ पर 17 लोग थे जो खालिसतन पवित्र दिल के साथ उन्होंने ये मजहबी तशय्यो को एक्सेप्ट किया था, और उसके बाद 1964 से ये आज़ादारी का प्रोग्राम चालू है जो आज दिन ब दिन आप देख रहे हैं। इतनी ठंडी है, इतना माहौल गर्म है, और साथ में जिसे स्कूल भी चालू है फिर भी इतनी पब्लिक का आना, ये सिर्फ एक बात ही बताती है कि हम में मोहब्बत अहले बैत कितनी है। अगर कल मौला अगर उनके फर्जंद अगर जहूर करें और अगर हमें दावत करेंगे तो हम इसी तरह लब्बैक कह के उनकी मदद और नुसरत के लिए चले जाएंगे। अब वो काम चाहे टॉयलेट धुलने का हो, काम चाहे आज़ादार का हो, चाहे किसी भी प्रकार का हो, हम करने के लिए तैयार है। जी गिबला, एक मैसेज और लेना चाहूँगा मैं। जैसे कि आप आज़ादारान हुसैन यानी इमाम हुसैन के चाहने वाले हैं, वैसे तो इमाम हुसैन सिर्फ शियों के नहीं हैं, इमाम हुसैन सब के हैं, क्योंकि उन्होंने इंसानियत के नाम पे कुर्बानी दी है, महाबलिदान दिया है, जिसमें 70-72 लोग शहीद हुए थे। इमाम हुसैन का कोई पैगाम जो इंसानियत को प्रेरणा देता हो यानी एक सीख देता हो? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे है हुसैन। इसी को मैं अपना सरनामे कलाम बनाते हुए मैं सिर्फ एक मुख्तसर जुमला कहना चाहता हूँ। इस्लाम आया ही था आतंकवाद के खिलाफ, इस्लाम आया ही था बातिल के खिलाफ, इस्लाम आया ही था इंसानियत के लिए, इस्लाम आया ही था मोहब्बत के लिए। लेकिन कुछ दुनिया परस लोगों ने, कुछ अफराद ने मिल करके इस्लाम के खिलाफ ऐसी साजिशें की कि जिसके लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खड़ा होना पड़ा। जब दुनिया आतंकवाद को भी नहीं जानती थी, जब दुनिया टेररिस्ट को भी नहीं जानती थी, तब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 72 की कुर्बानी देके बताया कि जब जब भी आतंकवाद और टेररिज्म खड़ा हो तो मेरा हुसैनी भी वहां पर खड़ा हो जाएगा। उसके हाथ में सिर्फ एक ही फरेरा होगा कि जहां पर मजलूमों पर जुल्म हो रहा है वो जुल्म के खिलाफ खड़ा होगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इस प्रोग्राम में हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं। करबला का भी मैसेज वही था जो हम देना चाह रहे हैं, और आज हम भी वही मैसेज देना चाह रहे हैं। करबला वालों ने भी यही मैसेज दिया था कि चाहे किसी भी नात का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी कौम का हो, किसी भी मिल्लत का हो, सब आपके भाई है और आपसे मोहब्बत करने के लायक है। यूं समझिए कि आपका सगा भाई है। हमारा इस्लाम ने तो यही बताया कि क्या दीन मोहब्बत के अलावा किसी और नाम और चीज का भी नाम है? हमें तो मोहब्बत सिखाई गई है, लेकिन कुछ गिरोह ने, कुछ अपराध ने मिल करके ऐसा प्रोपेगेंडा किया जिसकी वजह से इस्लाम को आतंकवाद का नाम दे दिया है। इमाम हुसैन अलैहि सलाम का ये मिशन, काले कपड़े पहन के आजादार दुनिया भर में निकलते हैं, मखसूसन आज जो कानूदर में आप प्रोग्राम देख रहे, यही बताना चाहते हैं कि इमाम हुसैन अलैहि सलाम आतंकवाद के खिलाफ थे तो उनके मानने वाले भी आतंकवाद के खिलाफ है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भाईचारगी, मोहब्बत और आपस में इत्तेहाद के लिए था, तो हम भी आज इत्तेहाद के लिए जो इतनी खिदमत आप देख रहे हैं जनता वनता मीडिया सोशल मीडिया के मार्फत से, तो आप ये भी जान ले कि आज ये मीडिया के जरिए से, ये मीडिया है जो बिकी हुई नहीं है, ये वही मीडिया है जो बिकी हुई नहीं है, जिसके जरिए से मैं मैसेज देना चाहता हूं कि इस्लाम इंसानियत के लिए था, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इंसानियत के लिए थे, और उनके चाहने वाले भी आज यही प्रोग्राम करके आज यही इंसानियत का मैसेज दे रहे हैं। आप दुनिया भर में जाके देख लें,
कोई भी जगह पर ऐसा शिया हो जिसने कभी एक आतंकवाद के खिलाफ आतंकवाद के लिए कभी बॉम्ब ब्लास्ट किया हो, बल्कि शहीदों में अगर कोई होता होगा तो शिया होगा, लेकिन दूसरा कोई होने नहीं देगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया जनता वंता को, आपने अपना इतना कीमती वक्त दिया, जनता वंता आपका शुक्रगुजार है। बहुत बहुत शुक्रिया मौला। नाम जिंदा रहे और मर जाऊं मैं, नाम जिंदा रहे और मर जाऊं मैं, नाम जिंदा रहे और मर जाऊं मैं, नाम जिंदा रहे और मर